यहाँ पे मैंने ओरियो के 3 पैकेट लिए हैं और ये क्रीम वाले बिस्किट हैं, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। और अब मैं इनको सीजर की सहायता से इनका ऊपर का पोर्शन काट दूंगी और ये पैकेट को मैं फाड़ूंगी नहीं, मैं इन्हीं में ही अपनी बादाम कुल्फी जमाऊंगी और फिर मैं ये सारे बिस्किट अपने मिक्सी जार में निकाल लूंगी। और ध्यान से निकालें कि हमारा पैकेट ना फटे। आपको जितनी बनानी है आप उतने ही पैकेट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं जार में और फिर मैं पैकेट में ही दूध डाल के इसमें ऐड करूंगी। मुझे 3 कुल्फी बनानी है तो मैं ये सेम प्रोसीजर 3 बार करूंगी और इसमें चीनी वगैरह हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिंपल ही ये दूध और बिस्किट को ही ग्राइंड करना है हमें। ये देखिए मैं 3 कुल्फी के लिए मैं इसमें 3 बार दूध डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे हम अच्छे से। मैंने मिक्सी में इनको मिक्स कर लिया है और इसमें अब मैं अपने ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। मैंने बादाम काट के रखे हैं इनको बारीक बारीक और फिर मैं ऐड करूंगी इनमें। और फिर जो पैकेट हमारे जो बिस्किट के पैकेट हैं उनमें ही मैं ये मटेरियल ऐड करूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी। इनमें मैं पहले अपनी स्टिक ऐड नहीं करूंगी क्योंकि अगर पहले मैंने स्टिक ऐड कर दी तो फिर ये सेट नहीं होगी। अब मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, 2-2.5 घंटे के बाद इनमें स्टिक ऐड करूंगी। तो चलिए रखते हैं फ्रीज़र में और ये देखिए फिर मैंने 2-2.5 घंटे के बाद ये स्टिक हमारी अच्छे से खड़ी होने लगी है। तो ये मैं स्टिक रख दूंगी इसके अंदर तीनों में। मैंने शाम के टाइम जमाई थी तो सुबह तक मेरी कुल्फी रेडी हो चुकी थी। अभी ये देखिए मेरी कुल्फी रेडी हो चुकी है और थोड़ा पैकेट खोलने में मुश्किल होती है क्योंकि हाथ स्लिपरी हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है और इसकी शेप भी बहुत अच्छे से आई है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये देखिए हमारी कुल्फी, ये देखिए बहुत अच्छे से, और इसमें मैंने चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए थे और ये